मध्य प्रदेश में 21 जून को वैक्सीनेशन महाअभियान में 17 लाख टीके लगे थे। इसके लिए मध्य प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। महाअभियान के तीसरे दिन बुधवार के दिन रिकॉर्ड तोड़ टीके लगे। सरकार का 10 दिनों में 50 लाख डोज का टारगेट था, जबकि 3 दिन में 27 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना के डेल्टा प्लस से एक की मौत की पुष्टि के बाद अशोकनगर के एक व्यक्ति की मौत भी डेल्टा प्लस से होने का मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह लंबे समय से भोपाल में रह रहा था। वह भोपाल में ही संक्रमित हुआ और मौत हो गई। उनके आधार और दस्तावेजों में अशोकनगर का पता दर्ज है। राजधानी भोपाल स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश और संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित 27 पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने 4 दिन पुरानी रंजिश में अपने दोस्त को चाकू मारकर हत्या कर दी। 4 दिन पहले एक दोस्त के जन्मदिन पार्टी में विवाद हुआ था। युवक की हत्या के बाद परिजनों ने आरोपी के घर जाकर हंगामा और तोड़फोड़ की थी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायसेन भोपाल बाईपास रोड पर फिल्टर प्लांट के पास बुधवार गुरुवार की रात 2:30 बजे डंपर और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग दंपति समेत ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। यह लोग गंज बासुदा से उज्जैन वापस लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।